ویری ہیلدی پریکٹس دیٹ ہیلپ اس ان دی فیوچر. اور اچھی طرح آرگنائز کریں انہیں, تربیت ہو رہی ہے کہ ہم سوشل ایکٹیویٹی کیسے کر سکتے ہیں. बहुत प्यारा लगे, अच्छा लगे. आप किधर से हैं? आप गौर चिश्तियाबाद से. चिश्तियाबाद जी. कैसा लगे आपको? बहुत प्यारा लगे, अच्छा. इतने का और होना चाहिए? होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब केसर है, बीएमई फोर्थ सेमेस्टर से. और काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्रोजेक्ट, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट अबाउट रिफा. अस्सलाम, मेरा नाम आदिल जहेब है, मैं यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी से ताल्लुक रखता हूँ. आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे जो आपने मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं इसको स्ट्रांगली जो है इंकरेज करता हूँ. कम्युनिटी जो आपके यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के करीब रहती हैं उनके लिए भी इंकरेजफुल हैं और फ्यूचर में कंटिन्यू रहना चाहिए. मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने मुल्क के उन अफराद के हवाले से जो ज़रूरतमंद हैं वक्त निकाला, और हेल्प इन हैंड ने आपके साथ तआवुन किया, और आपको एक रास्ता देते हैं कि तालीम का मकसद महज इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग या मेडिकल की मालूमात हासिल करना नहीं है, बल्कि आपका असल काम जो है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करना है. और जब तक आप में से हर एक इस तसव्वुर के साथ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर किसी अवार्ड के लिए नहीं कर रहे, उस वक्त तक आपके काम बरकत नहीं. आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में जो गरीब बच्चे हैं इनकी सेहत खराब है, क्या हमने कभी ये चाहा कि जाए कच्ची आबादियों में उन बच्चों को हमारे जो मेडिकल के पूरा एक कॉलेज है उसके फाइनल ईयर के तलबा के तआवुन से जाके उनकी सेहत का जायजा लिया जाए, उन्हें एडवाइस किया जाए. मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ इस कपड़ों के प्रोजेक्ट के हवाले से बल्कि मजीद आप लोग गौर करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाइफ एंड लिविंग वालों के तआवुन से बनाने के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे. बहुत शुक्रिया आप सब. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. लाइफ एंड लिविंग
جو کورس ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اس کے تحت ہم نے یہ پروجیکٹ آرگنائز کیا ہے اور اس کورس کو بنانے والے ڈاکٹر انیس احمد ان کا اس کورس کو بناتے ہوئے مقصد یہی تھا کہ جو چیز ہم تھیوریٹیکل کلاس میں پڑھتے ہیں وہ ہم اسے پریکٹیکل سوسائٹی میں بھی اپلائی کر سکیں. ہماری یہاں پر 5 کلاسز ہیں انجینئرنگ کے اندر اور ان سب نے 5 کلاسز کے کوئی 160 پلس اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے مل کے پورا پروجیکٹ آرگنائز کیا ہے. پچھلے 10 دن سے اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہیں اور آج یہ پروجیکٹ ہمارا آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ. کامیابی کی ٹیم جنہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنایا ہے تو میں اس ہائیلی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو یہاں تک, کمیونٹی کو بھی اس پروجیکٹ کا جو فائدہ ہوگا ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.